दोस्तों, रोड वायरलेस गो का नया मॉडल रोड वायरलेस गो 2 मार्केट में लॉन्च हो गया है और इसमें कुछ हैरत अंगेज कर देने वाले फीचर है जो आपको और किसी वायरलेस माइक्रोफोन में अभी तो नहीं मिलेंगे। व्हाट्स अप माय लवली फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, रोड का जो ओरिजिनल वायरलेस गो था वो 2019 में लॉन्च हुआ था और जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम ये इकलौता ऐसा माइक्रोफोन था जो जिसके अंदर वायरलेस कैपेबिलिटी थी, बहुत ही छोटा था और इसके ट्रांसमीटर में ही माइक्रोफोन लगा हुआ था, मतलब आपको अलग से माइक लगाने की जरूरत नहीं थी। और अपनी ज़बरदस्त ऑडियो क्वालिटी और रेंज की वजह से ये एकदम सुपर हिट प्रोडक्ट बन गया था मार्केट में। और जैसा कि हर सुपर हिट प्रोडक्ट के साथ होता है, वही इसके साथ भी हुआ, लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो बाद में बहुत सारे ब्रांड्स ने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया और आज की डेट में अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वायरलेस माइक्रोफोन मिल जाएंगे जो ऐसा सही काम करते होंगे और इसकी आधी कीमत में अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही रोड ने फिर से अपने इस पुराने मॉडल को अपडेट किया है। तो बेसिकली आपके पास अब 2 ट्रांसमीटर आते हैं इसके साथ, जिसमें 2 माइक होते हैं। और यही नहीं, इसके साथ इन लोगों ने इसमें कुछ ऐसे ज़बरदस्त फीचर डाल दिए हैं, मतलब एकदम बिल्कुल पलंग तोड़ टाइप फीचर जो आज की डेट में आपको किसी भी वायरलेस माइक्रोफोन में अभी आपको नहीं मिलेंगे। पहला जो ब्लॉकबस्टर फीचर है जो कि मेरा स्पेशली फेवरेट है, वो ये है कि इसका जो आपका ट्रांसमीटर है ना, आप उसमें भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब वो जो माइक होते हैं ना जो लोगों के कॉर्नर में लगते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी है और उसमें भी आप ऑडियो एक फाइल सेव कर सकते हैं जो कि 24 घंटे की कंटिन्यूस आपकी कंप्रेस रिकॉर्डिंग और 7 घंटे की कंटिन्यूस अनकंप्रेस रिकॉर्डिंग फाइल को सेव कर सकता है। इसके साथ एक ऐप आती है, आप उसके थ्रू उसको ऑन कर सकते हैं और आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये उसी टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करेगा और ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक कि आप सॉफ्टवेयर में जाके इसको दोबारा ऑफ ना करें। और इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि कई बार हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं या हम जल्दी में कुछ शूट कर रहे हैं, हम अपना माइक ऑन करना भूल जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि हमारा ऑडियो पूरा मिस हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ये बहुत मदद करेगा क्योंकि आपने अगर एक बार इसको सॉफ्टवेयर में ऑन कर दिया तो ये रिकॉर्ड करता रहेगा थ्रू आउट द शूट, तो आपको वहाँ पे एक ऑडियो फाइल प्रॉपर सेफ मिल जाएगी। यही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी वायरलेस माइक है तो हम रेंज से ज़्यादा दूर निकल जाते हैं, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस होते हैं और उनके आपस में सिग्नल इंटरफेयर होता है जिसकी वजह से हमारा ऑडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है या दिक्कत आ जाती है। उस केस में भी ये वाला जो ट्रांसमीटर है, इसमें जो ऑडियो फाइल है वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड तो रहेगी और साथ में इसको अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपका वायरलेस कनेक्शन कट हुआ है, तो ये वहाँ पे आपके ऑडियो फाइल के ऊपर एक फ्लैग लगा देगा जिससे कि जब आप एडिटिंग करने जाएंगे तो आपको पूरी फाइल में वो पोर्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है जहाँ पे ऑडियो कट हुआ था। आपको सीधे एक फ्लैग लगा हुआ दिख जाएगा जिससे आपको दूर से पता लग जाएगा कि अच्छा ये वो पोर्शन है जहाँ पे मेरा ट्रांसमिशन कट हुआ था, आप वो पार्ट उठा के अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हमारे फोटो में एक जेपेग का फॉर्मेट होता है और एक रॉ का फॉर्मेट होता है, और हम सबको पता है कि जो रॉ का फॉर्मेट होता है वो बहुत मज़ेदार होता है क्योंकि उसमें अगर हम कई बार गलती भी करते हैं, हम ओवर एक्सपोज अंडर एक्सपोज या फिर वाइट बैलेंस खराब भी करते हैं, तो भी हम एडिटिंग में उसको ठीक कर सकते हैं और वो ठीक हो जाती है, जेपेग नहीं हो पाती है। उसी तरीके से ऑडियो के अंदर भी एक ऐसे फॉर्मेट आता है जिसको हम बोलते हैं 32 बिट फ्लोट। ये फॉर्मेट एकदम रॉ फोटो की तरह होता है, मतलब बोले तो कि अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करके अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लेवल गड़बड़ हो गए, आपने कम कर दिया या बढ़ा दिया, या फिर कोई बंदा चीख गया या पीछे से कोई गाड़ी निकल गई हॉर्न बजाते हुए और वो ऑडियो पूरा पीक कर गया, तो आप उसको एडिटिंग में लेवल को एडजस्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं, आपका ऑडियो खराब नहीं होगा। ये दूसरे फॉर्मेट में ऑप्शन नहीं आता, वहाँ पे अगर आप कोई पीक वाला ऑडियो होगा और उसको एडजस्ट करोगे तो साउंड फट जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, लेकिन 32 बिट फ्लोट में ये ऑप्शन आता है और ये वाला ऑप्शन हमको इस वाले वायरलेस गो 2 के साथ मिलता है। इसके साथ अब डिफरेंट डिफरेंट केबल्स अवेलेबल हैं, एक केबल जो डायरेक्टली एप्पल के लाइटनिंग मतलब एप्पल आईफोन में लग जाती है और इसको कनेक्ट कर देती है डायरेक्टली, फिर एंड्रॉयड की भी केबल आती है USB-C वाली, और साथ ही कंप्यूटर की भी केबल आती है USB वाली जिसके थ्रू आप इस डिवाइस को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें अब 200 मीटर की लाइन ऑफ साइट की रेंज मिलती है। दोस्तों, मैं 200 मीटर बोल रहा हूँ, 200 फीट नहीं बोल रहा हूँ। अभी जो मैक्सिमम वायरलेस डिवाइसेस हैं जो मैंने अभी तक रिसर्च करा है मार्केट में, उनमें जो सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है वो हमको 500 फीट तक की मिलती है और इसमें 200 मीटर मिल रही है, और 200 मीटर का मतलब हो गया 656 फीट। तो मतलब रेंज के मामले में भी ये बहुत ही
तगड़ा परफॉर्मेंस देता है अपने को। इसका जो रिसीवर है दोस्तों, अब उसमें आपको दोनों माइक्स का लेवल दिखाएगा, मतलब दोनों ट्रांसमीटर का लेवल दिखाएगा, तो आप उसके दोनों माइक्स के लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके ऑडियो लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, उनका बैटरी लेवल देख सकते हैं, उनका वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, और साथ ही साथ मौका पड़ने पर आप किसी भी माइक को म्यूट भी कर सकते हैं रिमोटली दूर से ही, आपको फिजिकली उस माइक के पास जाने की जरूरत नहीं। सो दोस्तों, इस माइक के साथ रॉड वालों ने अपनी एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है जो कि कंप्लीटली फ्री है, और अगर आप उस सॉफ्टवेयर को इस माइक के साथ यूज़ करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा फीचर, जैसे कि आपको अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो वन क्लिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस केबल कनेक्ट करनी है, ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा अगर इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उसको इंस्टॉल भी कर देगा। फीचर्स जैसे कि आपको स्टीरियो और मोनो मोड में से अगर आपको सेलेक्ट करना है, इसमें स्टीरियो और मोनो मोड दोनों ही सपोर्ट करता है, तो आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और गेन कंट्रोल, फाइन गेन कंट्रोल, अगर आप नॉर्मली डिवाइस को यूज़ करके अपने ऑडियो के गेन को कंट्रोल करेंगे तो आप 3 स्टेप्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप 10 स्टेप में गेन कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइन कंट्रोल मिलेगा ऑडियो पे। आपको सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी ट्रैक बोले तो जैसा कि हमारे कुछ कैमरों में प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग होती है वीडियो की लो रेजोल्यूशन, ऐसी सेफ्टी ट्रैक होता है, ये लो रेजोल्यूशन नहीं होता लेकिन इसकी जो ऑडियो का सिग्नल, मतलब जो गेन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसमें -220 dB है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये थोड़ा सा ऑडियो को हल्की आवाज़ में रिकॉर्ड करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप कहीं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और एकदम से कहीं शोर आया या ये कोई गाड़ी निकल के गई या बंदा एकदम से चिल्लाया या छींक आया तो वो एकदम से पूरा सब पीक कर जाता है, राइट। वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो आपका मेन ऑडियो है वो तो ख़राब हो गया होगा, लेकिन आपका जो सेफ्टी ट्रैक है वो थोड़ी कम आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो वहाँ पे वो वाला पार्ट आप अपनी मेन फाइल से कट करके सेफ्टी ट्रैक से निकाल के वहाँ लगा सकते हैं और आपका ऑडियो एकदम मस्त चलेगा। पहले इसमें गाइस एक माइक और एक रिसीवर आता था, अब इसमें 2 माइक और 1 रिसीवर आता है। तो अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो मेरे को लगता है ये लगभग 30 से 35 हज़ार की रेंज में होगा। कुछ लोगों को ये कीमत अभी बहुत ज़्यादा लग सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें एक दुनिया की जो ऑडियो में टॉप कंपनियां, उसके आपको 2 वायरलेस माइक्स मिल रहे हैं, प्लस आपको रिसीवर मिल रहा है, प्लस ये सारे ज़बरदस्त प्रोफेशनल फीचर मिल रहे हैं जो कि अभी किसी भी माइक्स में अवेलेबल है मार्केट में, तो यार ये 30-35 हज़ार का जो प्राइस टैग है ये मेरे को एकदम ठीक लग रहा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल टूल है और ये जो इसके साथ जो फीचर है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, मतलब कई बार लाइफ बचा लेते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि आपका क्या विचार है, आपको ये कैसा लगा और आपका क्या प्लान है। मेरा तो प्लान है कि अगर मेरे पास पैसे आएंगे जल्दी तो मैं इसको खरीदूंगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।